हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश शर्मा पहाड़ी भाई ने। तो शुरू करते हैं आज का अपना नया व्लॉग। तो दोस्तों, आज नए की व्लॉग की शुरुआत, सवेरे उठ गए थे, सवेरे उठ के मैं चले गया था योगा करने के लिए। अपनी मेरी क्लास थी 7 to 8 आज की, तो योगा किया, थोड़ा सा बॉडी को एक्सरसाइज करके थोड़ा फिट फाट करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में करेंगे इस लड़की को भी एक्टिव। फिलहाल तो बज गए हैं गाइस 8:20, और ये मेरी जो बेटी है, जो मेरा बेटू है, मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटू बेटू, और इसको देख सकते हो, ये है घोड़े बेच के सो रही है। इसको उठाते हैं। ये शूज एग्जाम ख़त्म हो चुके हैं, मस्ती कर रही है, और फिर भी ये तो टाइम नहीं है ना। अब कुछ दिनों में फिर स्कूल खुल जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको उठाने की आदत डालनी पड़ेगी हमें। सो गाइस, कल से मैं उसको उठाऊँगा 7 बजे करीबन अप्रॉक्सीमेटली। सो हे गाइस, ये देखो यशस्वी उठ गई है, और सवेरे सवेरे हम दोनों बन गए हैं विक्रम बेटा। क्या बोला तूने? गाइस आप देखो, यशस्वी ना दूध लेके आई है, और उसने इसका सब चीज़ें ली है, और ये देखो, अरे पकड़ो ना, अब देखो ये मुझे दो। अब देखो, उसको ना कालू को पता है, ये देखो इसे पता है कि अगर हम जब भी दूध लेने जाते हैं ना, तो इसके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। यशस्वी के बेस्ट फ्रेंड्स हैं कालू, खास तौर से देखो, ये है लालू, और ये है लालू, और ये है कालू। देखो मारूंगी, मुझे डांट रही होती है इनके चक्कर में, डांट पड़ती मुझे भी। ये देखो, अबे दो पैकेट कालू को पता होता है कि इसे इसका फेवरेट है भी, और खाते भी। मजे की बात गाइस ना, खाते हैं पार्ले जी बस, है ना। कोई और बिस्किट लेके आओ तो नहीं खाते ना इशू। ये देखो, खा लिया। डैडी आज बनाने वाले हैं कॉर्नफ्लेक्स, और फिर डाले हैं चौकोज यशस्वी के लिए, और थोड़े से मैंने बादाम पहले से डाल चुका हूँ, और थोड़े से डालते हैं किशमिश, थोड़ा सा किशमिश यहाँ पे भी, थोड़ा सा हनी, और ये डाल दिया थोड़ा सा हनी मैंने अपने में भी, और मैं गाइस थोड़ा सा ओट्स डाल रहा हूँ, यशस्वी ओट्स नहीं खा रही है, और मैंने थोड़ा सा, ये थोड़ा होता है। तो गाइस दूध डाल देते हैं। गाइस ये देखो, ये हो गया यशस्वी का आज का ब्रेकफास्ट, और ये हो चुका है मेरा। दोनों का डिफरेंट, यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। चलो गाइस, सो गाइस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी पापा और मैं जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, पर शॉपिंग से पहले हम जा रहे हैं किसी से मिलने, है ना पापा? यस बेटू, अभी हम जा रहे हैं गाइस कहीं शॉपिंग के लिए, यशस्वी के लिए शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। हम पहले जा रहे हैं सरोजनगर मार्केट, पर उससे पहले हम किसी से मिलने जा रहे हैं, और वो आपके लिए सरप्राइज है। दो भाई थे, ओके, मुक्का दे और तुक्का दे। मुक्का दे और तुक्का दे, हाँ। अच्छा जी, मुक्का दे और तुक्का दे। मुक्का दे और तुक्का दे, ठीक है। हाँ, वो दोनों भाई थे, बहुत अच्छे भाई थे। हाँ। वो एक दिन गए, हाँ, जंगल में गए वो, ओके। तो वहाँ पर ना पहाड़ गिर रहा था, अच्छा, है ना, तो हाँ। तुक्का दे नीचे गिरने वाला था, अच्छा। पर तब तक मुक्का दे ने उसको पकड़ लिया, अच्छा, और नीचे खाई थी, पर मुक्का दे के हाथ से तुक्का दे नीचे गिर गया, ओके। ये बताओ कौन बचा? कौन बचा? मुक्का दे। ओ, ये क्या था? मैं तो बोले मुक्का दे। अरे गाइस, ये क्या बात हुई यार, एक गुस्सा पड़ गया मेरे को। रिडल है, है? एक रिडल है। रिडल? रिडल अच्छा, क्या होता है? मतलब चल आपसे एक अजूबे पूछते हैं, आपको एक चीज है ना, मैं आपसे एक रिडल पूछूंगी, उसमें आपको नो का वर्ड यूज नहीं करना। पर घुसा तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, घुसा नहीं मिलेगा। हाँ, तो क्या होता है, तीन दरवाजे हैं, रेड ऑरेंज एंड येलो, बताओ, ऑरेंज एंड येलो, है ना, तो आप कौन से दरवाजे में जाओगे? रेड में। रेड में, चलो ठीक है, आपका करेक्ट आंसर निकला, ठीक है। अब आपको तीन आइसक्रीम मिलती है, बटर स्कॉच, वनीला और चॉकलेट, तो बताओ कौन सी आप चॉकलेट लोगे, मतलब कौन सी आइसक्रीम लोगे? बटर स्कॉच। बटर स्कॉच करेक्ट आंसर। इसका मतलब आपने रिडल पहले भी देखी हुई है? नहीं। अरे यार, ओ चूना लगा दिया। सो हे गाइस, अभी यशस्वी और मुझे लगी थी भूख, और हमने सोचा कि कुछ खाते, तो हमको दिखे एक वैन जो है वैगनार, इसमें भाई साहब थे, एक ये वाले भाई साहब थे,
और इनको हमने ट्राई किया, इनका आज फूड का मज़ा आ गया। यशस्वी खा रही है छोले चावल, मैं खा रहा हूँ राजमा चावल, साथ में लिया हमने एक अपना। ये देखिए आर ई ईटिंग पॉइंट, बहुत ही बढ़िया खाना है जो मज़ेदार लगा। एक तो घर जैसा खाना है, साफ सुथरा खाना, देख के इनकी प्रेजेंटेशन देख के मुझे लगा कि यहाँ इनका खाना खाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। सो मैंने ट्राई कर लिया। सो हे गाइस, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, इस शख्स की जो हमारे लिए सरप्राइज हम आपको देने वाले थे, वो शख्स क्या है पता है? कौन है पता है आपको? वो शख्स है नीतू। सो गाइस, अभी क्या हो पता है आपको? यशु और मैंने प्लान किया कि आज हम नीतू को ऑफिस से उठा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को जाना तो था शॉपिंग के लिए। तो हमने सोचा कि क्या करें, मैंने इसको बोला कि हम शॉपिंग के चलते हैं, तो इसलिए पापा मम्मी के बिना कैसे जाएंगे। सो मैं पहुंच गया इसके ऑफिस, ऑफिस जाके मैंने चला, मुझे नहीं पता कैसे करना, और इसने हाफ डे लिया ऑफिस में, बोल के मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जा रही हूँ घर जा रही हूँ, और ये आ गई है हमारे साथ शॉपिंग के लिए। सो गाइस, तो ये है वो चोर, ऑफिस बंक मारा है, ऑफिस बंक तुम लोगों के लिए, मैंने ऑफिस बंक मारा तुम दोनों के लिए। स्कूल बंक सुना होगा आपने, नया है ऑफिस बंक। इस लड़की ये वो शख्स है जिसने ऑफिस बंक किया है, और इसके चक्कर में, सिर्फ इसके चक्कर में, कुकू के चक्कर में, इसके चक्कर में इसने बंक मारा, और इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैंने सिर्फ बोला था हम तो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। सो हे गाइस, अभी हम पहुंच गए सरोजिनी मार्केट, और यहां देखो गाइस कितनी भीड़ हो रही है। यशस्वी, आपको कुछ समझ में आ रहा है इतनी भीड़ में? आ रहा है, आ रहा है क्या? क्या समझ में आया? गाइस, अभी पापा हमें शॉपिंग करने गए थे, तो देखो मैंने क्या लिया, BTS की चेन्स। ये देखो कितनी अच्छी है ना। थैंक यू पापा। ओके बेटू, अपने गले में जो पहना है वो दिखाओ। ओ हाँ, तो ये मैंने ये पहन रखा है एक, पापा ने नज़र पट्टू लिया है, मैंने तो नहीं लिया था, पापा ने दे दिया, और एक ये वाला, वो एक वाला मुझे ना सबसे अच्छा जो लगा है ये वाला लगा है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि BTS में से कौन है, ये मेरा फेवरेट है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच पापा, ऐसे अगर आप सर्विस नगर आओगे तो मुझे और दिलाना। ओके, और आपके लिए मैंने वो लिया, वो तो दिखाओ, आपके लिए जो मैंने टॉप लिया है। ओ हाँ, टॉप लिया, अरे मैं कैसे दिखाऊं, ये कुछ टॉप है। सो हे गाइस, आप देख सकते हो, देखो नीतू कैसे सो गई है, गाड़ी चला रहा था मैं, और यहाँ देखो इसको, इस शशि को, ये भी घोड़े बेच के सो गई है, दोनों माँ बेटी एक जैसे तरीके से सो गई है। देखिए गाइस, ये देखिए, ये भी ऐसी सो गई, उसको देखो वो भी ऐसी सो गई है, और मैं बना हूँ ड्राइवर, इन लोग दोनों का ड्राइवर, देख रहे हो। अभी हम लोग, मैं रुका हूँ सब्जी मंडी, हमारे यहाँ बहुत बड़ी मंडी है सब्जी की, बाहर रुक गया, हमारे घर के बहुत पास ही है। सोफटा आ गया भैया। क्या हो गया? पीछे पीछे देख, पीछे सेम टू सेम, तुम दोनों का मेरा वीडियो लिया है, तुम दोनों एक जैसे ही सो रहे हो, बिल्कुल सेम टू सेम, उसका देख उसका मुंह। तो गाइस, इसको जाना भी होता है, और इसलिए क्या कहते हैं, सोना भी होता है, थक गई है बहुत ज़्यादा है। गाइस, अभी हम पहुंच गए घर, और स्टिल ये यशस्वी सो रही है। यशु, यशु बेटू, ओए उठ, घर पहुंच गए। सो हे गाइस, पहुंच गए फाइनली अपने घर, और गाइस आज का ब्लॉग हो गया बहुत ही ज़्यादा बड़ा, तो इसलिए आज का ब्लॉग करना पड़ेगा यहीं पे ख़त्म। कपड़े एक चेंज कर लिए हैं मैंने। सो गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे कि आप हमेशा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।